अभी हम आए हैं रात को 7 बजे, शाम हो गई है शाम को 7 बजे, एक पार्किंग में। ऊपर चल के बताता हूँ अभी हम आए कहाँ पे हैं। बड़ी मुश्किल से यार ये पार्किंग मिली है, मैं 3 गेड़े मार रही हूँ इस एरिया के। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं मरीना क्रीक हार्बर। आपको दिखाता हूँ यहाँ की लोकेशन, ये भी बहुत अच्छी है यार। देखो बिल्डिंग तो भाई गर्दन दुखने लग जाती है इतनी ऊपर देखते। जहाँ आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा ना, जहाँ हम गए थे JBR, बस ये भी उसी के जैसा है। बट यहाँ पे लोग रहते हैं, है ये भी घूमने वाली जगह ही है। रहते उधर भी थे लेकिन वहाँ पे होटल्स वगैरह बहुत, यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं सारे। आप देख ही रहे होंगे मेरे आगे पीछे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये जो जगह है ना, बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे अगर किसी को पीस चाहिए, शांति में रहना चाहता है, वो JBR तो थोड़ा रश था, मतलब शोर शार था वहाँ पे, थोड़ा था वहाँ पे। लेकिन अगर कोई पीस में शांति में रहना चाहता है तो यहाँ पे आके आराम से घूम सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है अपना। यहाँ पे ना अट्रैक्शन के पार्ट्स बने हुए हैं, जैसे ये फ्लावर का पूरा ग्लोब टाइप बना हुआ है। ये सारा का सारा पानी है, सारा समंदर के बीचों बीच बना हुआ है बिल्कुल साइड में ना। बहुत ही अच्छा एक अट्रैक्शन बना हुआ है। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ना, वहाँ पे यहाँ पे वेट आते हैं ना, इसमें लाइट जलती है और म्यूजिक प्ले होता है। दिखाऊँ, मैं तो भाई चप्पलों में ही आ गया हूँ। देखो ये आवाज़ भी आ रही है, लाइट जल रही है यहाँ पे। अब जितना हम चलेंगे ऐसे करके पूरी, वो देखो लाइट शो हो रहा है, दिख रहा है अगर आपको। अभी वो नई कंस्ट्रक्शन हुई है उसकी, जो ब्लू वाली है ना, वो वाली। इसके 30 फ्लोर तो यहीं तक बन रहे हैं और ऊपर आप काउंट कर लो ऊपर, और ना करते ये 60-70 फ्लोर की बिल्डिंग है। और पता है कीमत क्या है एक फ्लैट की? 10 से 12 करोड़ सिर्फ एक फ्लैट की कीमत है। यहाँ पे ऐसे बोट्स वगैरह आती हैं, वो जा रही है, एक आ रही है, एक उसके पीछे है। इस वाली बोट ने तो धमाकेदार म्यूजिक चला रखा है और नाच भी रहे बंदे। सारा ना रात को ही देखने, दुबई तो खैर सारा ही रात को देखने में मजा है क्योंकि लाइटिंग ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो अभी लग रही है थोड़ी सी भूख। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट भी है, ये जितने भी है ना सारे रेस्टोरेंट वगैरह है। तो हम इधर चलते हैं, यहाँ पे विदाउट एनी गार्लिक मिल जाएगा। तो ऐसी जगह पे भी विदाउट एनी गार्लिक जैन मेन्यू। अपना तो गुजारा है भाई यहाँ पे, मतलब विदाउट इंडियन गार्लिक हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हमने यहाँ पे स्नैक्स खा लिए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि खाना कहीं और है हमारा। यहाँ से स्नैक्स वगैरह हो गए हैं, अब निकलते हैं दूसरी लोकेशन पे, राजधानी रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाना है। हम पहुंच गए हैं, हमें लगा कि नाम होगा राजधानी, नहीं दिमाग से निकल गया था, राजधानी तो इंडिया में था, यहाँ पे नाम था रसोई घर। तो भाई बस बोंदल गए थे आधा पौना घंटा, तो कभी कहीं कभी कहीं इधर घूमे। फिर ना एक पिछले साल की फोटो पड़ी थी, क्लिक करते ऊपर आ गया कि भाई रसोई घर है, तो रसोई घर डाला, वहीं पे ही घूम रहे थे हम सामने आ गए क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे हमने खाना खाया था, बहुत बढ़िया खाना था। इंडियन रेस्टोरेंट की लाइन है सारी की सारी। यहाँ की डिशेज दिखाऊंगा मैं आपको, लास्ट टाइम खाई थी बस चेंज ना हुई हूँ। भैया कैसे हो? सारा स्टार्टर है, अब इनको मैं क्या बताऊं, स्टार्टर तो मैं खा के आया हूं, आधा तो मेरा पेट फूल पड़ा है। अब इनमें क्या कुछ आएगा, ये डाल दो दे दो भाई। मैं तो जहां जाता हूं ना चौंकड़ी मार के बैठ जाता हूं और फिर खाता हूं आराम से। ये देखो ये एक दाल, ये दाल मेरे को पसंद नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ली, बाकी सारी ले ली है। अभी तो भाई भूख नहीं थी तब इतना खा गए, सच में नहीं भूख दी भाई, सच में नहीं। बट ये चीज़ ना फुलके ना जो चपाती थी ऐसा लग रहा था घर की बनी हुई है। थोड़ा कहाँ जाता है फिर, एक्सरसाइज करेंगे। मतलब इधर के थैंक यू। तो भाई अब अपना खाना वगैरह हो गया, हाथ भी धो लिए, हाथ भी धुलवाते हैं आते से पहले भी, तेरे जैसे भी स्पेशल धुलवाने चाहिए तेरे को, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। बहुत खा लिया, पेट भी अंदर नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया मेरा तो, सांस भी नहीं लिया जा रहा। चलो ये अच्छा हुआ ना गाड़ी दूर पार्क की हुई है,
पैदल जाएंगे चलते हुए। ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक यू। भैया ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया। ये भैया चंडीगढ़ में भी हमें बहुत बढ़िया खिलाते थे। चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट है, उसमें जॉब करते थे, तो हम जब भी जाते थे भैया हमें विदाउट एनी गार्लिक बना के देते थे। तो उधर से ये शिफ्ट होके आगे दुबई, हम अचानक ही चलते फिरते इस रेस्टोरेंट में आए। पिछली बार हमें मिल गया ना भैया, आप घर का खाना था बिल्कुल। चलो अब चलते हैं, बस गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की हुई है तो पैदल पैदल चलेंगे। यार ये कौन सी कार हुई, ये कौन सी है, घोड़ा है, स्टैंग है भाई। प्रोटीन की शॉप में आए प्रोटीन। यार देखो मैंने पूछा अंदर जाके, ये वैसे केमिस्ट शॉप है, केमिस्ट वालों ने भी प्रोटीन रखे हुए हैं। तो मैंने अंदर जाके पूछा, मैंने कहा कि भाई ये कितने का है आइस 100। यार यहाँ पे भी 329 दिरहम, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सेम प्राइस। ऐसे नहीं 320-30, नहीं, जो उधर मॉल में था प्राइस वही इधर सेम प्राइस है। और ऊपर से 75 दिरहम का वाउचर भी है, मतलब और 75 दिरहम लेस हो जाएंगे एक तरह से। हम उसके ऊपर कुछ भी ले सकते हैं 75 दिरहम का। और फिर मैंने हिसाब लगाया कितने का पड़ रहा है यहाँ पे, 7000 रुपए का टोटल, 6500 to 7000 ये पड़ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से इंडिया भी लेके जा रहा हूँ, वैसे तो खैर मैं ले नहीं रहा यहाँ पे, अगर मैं इंडिया लेके जाता हूँ तो 5% मेरे वहाँ पे टैक्स रिफंड हो जाएगा, क्योंकि मैं टूरिस्ट हूँ, मेरे पासपोर्ट पे। यार सही चीज है। और इन्होंने बताया इंडिया में इसलिए महंगा है क्योंकि GST लग जाता है। तो बस हमने थोड़ा सा सामान लिया था, एक ग्रोसरी शॉप पे रुके थे, निकल रहे हैं अब। हम होटल के पास पहुंच ही गए थे लेकिन दिल नहीं गया अंदर जाने का अभी, तो हमने कहा कि चलो अब चलते हैं एक जगह टेस्ट करते हैं। सैफ्रन, सैफ्रन है। बहुत रेयर होता है कि मैं कोई चाय पीता हूँ, बहुत रेयर, कहीं बैठे हुए तुम, बट यार तारीफ इतनी कर दी ना फिल्ली की, ये रहा फिल्ली, फिल्ली भी फिल्ली है, फिल्ली है, फिल्ली है। अब मैंने कहा चलो पीते हैं, देखते हैं कैसी है, बट नो डाउट यार अच्छी है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। द फिल्ली इज वर्ल्ड फेमस सैफ्रन की, ये अपनी सैफ्रन की। पहुंच गए हैं और ये फिल्ला यहाँ फेंक रहा हूँ, टेबल सी लग रही है, रूम में ले जाऊं, एडिट करने के काम आएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, लाइक शेयर सब्सक्राइब यार प्लीज करते रहें।